ओवरलोडेड बालू खिलाफ लगातार जिला प्रशासन मुहिम चला रही है कि कैसे NH2 जाम हो जाता है। इसी क्रम में बालू माफियाओं ने खनन विभाग के सुरक्षा गार्ड के ऊपर हमला बोल दिया। तब जिला प्रशासन एक्शन में आ गई। SP, SDM, DSP, MVI, DTO सहित कई अधिकारी NH2 पर उतर गए, जहां अधिकारियों को देखते ही कई चालक ट्रक छोड़कर भाग भी गए और पुलिस के चंगुल में भी आ गए। जो जो भागे उनके ट्रकों का हवा भी खोल दिया गया। सुरक्षा गार्ड पर हमला मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आखिर किसके इशारे पर यह काम किया गया, किसके इशारे पर यह हमला हुआ। कैमूर से संवाददाता अभिषेक राज की रिपोर्ट। किस चीज के लिए ओवरलोडेड वाहनों के लिए DTO, SDO, FBI के साथ एक विशेष अभियान चल रहा है। यहाँ चेक पोस्ट पे आज रोकने के क्रम में एक पुलिसकर्मी के साथ कुछ मारपीट की घटना हुई थी। ट्रक के जो माफिया लोग थे उनके द्वारा ट्रक की बरामदगी हुई है, जो मेन मालिक उसकी गिरफ्तारी भी हुई है और यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आगे भी अभियान सर चलते रहेगा, इसी तरह लगातार चलेगा। ओवरलोडिंग के लिए हमेशा इस तरह का अभियान देखा जाएगा। ओवरलोडिंग के खिलाफ इस तरह के अभियान सर चलते रहेंगे लगातार। बिल्कुल चलेंगे, जो भी माफिया सर बिल्कुल आज लेकर अधिकारी का आदेश है साहब, ज्वाइंट रेड की टीम तैयार की गई, जिसमें SDO साहब, DTO साहब, DI है, उनके साथ हम लोग ट्रक को पकड़ रहे हैं और ट्रक में जो भी खामियां रहा उन पर अलग से केस दर्ज करने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।